हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिकल चैप्टर से ट्रांसफार्मर के बारे में बताना चाह रहा हूँ, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें मैं आपको ट्रांसफार्मर का प्रकार, ट्रांसफार्मर के फंक्शन कैसे करते हैं, टाइप्स कितने हैं और उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, कितने तरह का ट्रांसफार्मर होता है और कौन सा ट्रांसफार्मर का कहाँ प्रयोग किया जाता है, इसे मैं बताना चाह रहा हूँ। इंट्रोडक्शन में ट्रांसफार्मर का सर्वप्रथम, ट्रांसफार्मर है क्या, किसे कहते हैं, व्हाट इज ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस व्हिच ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रिकल एनर्जी वन पार्ट टू अनदर विदाउट चेंजिंग इट्स फ्रीक्वेंसी। बिना आवृत्ति बदले विद्युत ऊर्जा को एक भाग से दूसरे भाग में परिणत करता है। तो और यह म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें देखिए, आप ट्रांसफार्मर का अगर क्लासिफिकेशन किया जाए तो ये इस प्रकार है। सर्वप्रथम हम ट्रांसफार्मर का इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इसके बाद सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, थ्री फेज ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। लेकिन अगर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में आते हैं तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक करंट ट्रांसफार्मर, एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो सर्वप्रथम हम अभी आपको ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन बताते हैं। कंस्ट्रक्शन में देखिए, ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन इस प्रकार है। इसमें अभी हम ऊपर का भाग जो है, जिसको कंजर्वेटर कहते हैं, वो नहीं दिखाए हैं, इसमें नहीं दिखाया गया है। लेकिन सबसे पहले ऊपर का भाग जो कंजर्वेटर कहलाता है, यहां से जुड़ता है इसके साथ, और नीचे का भाग जो है ये कंटेनर है। ये कंटेनर में ही वाइंडिंग रहता है, थ्री फेज का वाइंडिंग, सिंगल फेज का वाइंडिंग इसी के अंदर रहता है। और इसमें इसे ठंडा करने के लिए तेल डाला जाता है। इसमें देखिए, ये जो तीन दिख रहा है कि इसको बुशिंग कहते हैं। तो ये तीन जो है एचटी बुशिंग है, मैं कहने का मतलब हाई टेंशन बुशिंग। और इधर देखिए चार है, एक दो तीन चार, छोटा वाला जो है दो चार है, ये लो टेंशन बुशिंग है। इसमें जो है आपका ट्रांसफार्मर का इनपुट होता है, ये 11000 का इसमें इनपुट होता है, जो पावर स्टेशन सब स्टेशन से आता है 11000, और उसको स्टेप डाउन करके बुशिंग है। यहां तीन बुशिंग दिखा रहे हैं, ये दो तीन बुशिंग है, तीनों बुशिंग में ये 11000 का इनपुट होता है। कहने का मतलब हाई टेंशन का जो कनेक्शन आता है वो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में लगता है। और ये सेकेंडरी है बुशिंग, जिसमें चार, देखिए चार कनेक्ट है बुशिंग, और इस चार बुशिंग में ये स्टेप डाउन करके इसे 440 में कन्वर्ट करता है। और 440 में तीन फेज होता है, एक फेज एक पहला बुशिंग, फेज वन, फेज टू, फेज थ्री, और चौथा जो होता है वो न्यूट्रल होता है। यहां दर्शाया गया है, देखिए वाइंडिंग को, यहां वाइंडिंग दर्शाया गया है लाल कलर में है और काले कलर में, ठीक है। तो लाल कलर और काला कलर का मतलब है कि वाइंडिंग, ये इसको लैप बाइंडिंग कहते हैं, एक के ऊपर एक। और बहुत सारा बाइंडिंग जो होता है ना, उसको हम लोग सैंडविच बाइंडिंग का भी कहते हैं, कि एक बाइंडिंग डाला एचटी का, फिर उसके ऊपर एलटी का, लेकिन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैपिंग रहता है, जिसमें कि हम लोग स्पेस डालने के लिए, दोनों बाइंडिंग के बीच स्पेस डालने के लिए हम कूट का गत्ता का प्रयोग करते हैं, हाँ, जो दोनों के बीच में स्पेस बनाता है और जिसे बाइंडिंग ठंडा रहता है एयर के कारण और या तेल के कारण। तो इस प्रकार एक के बाद एक वाइंडिंग डाला जाता है, एक एलटी का वाइंडिंग हो गया। देखिए यहाँ पे एरो जो डाला हुआ है, एरो आपका ये लो टेंशन ट्रांसफार्मर के लिए है, और एक हाई टेंशन ट्रांसफार्मर के लिए, जो ब्लैक में एरो दिखाया गया है वो हाई टेंशन, यानी कि यह 11000 वोल्ट के लिए है और ये 440 वोल्ट के लिए। लेकिन 440 वोल्ट का जो वाइंडिंग होता है वो मोटे तार का कम टर्न होता है, लेकिन हाई टेंशन का जो वाइंडिंग होता है, जो 11000 का है, वो अधिक टर्न होता है और पतले तार का होता है। इसमें देखिए, ये जो है किनारे किनारे कूलिंग ट्यूब है। जब ट्रांसफार्मर चालू किया जाता है तो इसके अंदर जो वायर है वो हीट होता है, तो हीट होने के कारण ट्रांसफार्मर ज्यादा गर्म हो जाएगा, तो वो आपका उसमें आग भी लग सकता है तेल में। तो इस ज्यादा हीट होने के कारण, इस हीट को बचाने के लिए क्या किया जाता है, इसमें देखिए कूलिंग ट्यूब भी है, ये कूलिंग ट्यूब है दोनों साइड से, और जब तेल गर्म होता है तो ऊपर उठ करके ये ऊपर के भाग से फिर नीचे आ जाता है। ये सर्कुलेशन, गर्म तेल ऊपर से जाता है और ये पाइप बाहर से
एयर से जुड़ा हुआ है तो एयर के कारण वो ठंडा होकर फिर अंदर आता है। तो ये सर्कुलेशन ऑयल का सर्कुलेशन होता रहता है जिसके कारण ट्रांसफार्मर का ऑयल ठंडा रहता है और ट्रांसफार्मर जलने से बचता है। इसमें देखिए ई टाइप को जो दिखा रहा है ये कोर है, ट्रांसफार्मर जो बनता है ना वो कोर पे बनता है और कोर पे वाइंडिंग होता है और कोर के कारण ही ये इसमें म्यूचुअल इंडक्शन होता है, जो प्राइमरी में लाइन जो हम देते हैं और वह सेकेंडरी से आउट हो जाता है ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, इसमें और भी हम आगे दिखाएंगे। इसमें कुछ भाग जो होता है ये देखिए कूलिंग ट्यूब है, इसमें आपका ऑयल टैंक है, ये वाला ये हाई वोल्टेज बुशिंग हुआ, ये लो वोल्टेज बुशिंग। देखिए यहां से हम दिखाना चाह रहे हैं आपको कि ये देखिए आप इसमें देखिए हाई वोल्टेज बुशिंग। अब इसमें देखिए कि ये वाला भाग जो है ये छोटा वाला भाग जो है छोटा बुशिंग, इस छोटे बुशिंग में 440 का लाइन आउट होता है यहाँ से। इसमें ये तीन वो है, ये 1 2 3 ये तीनों फेज है और ये न्यूट्रल है, हटके है थोड़ा, ये न्यूट्रल है। तो तीन फेज और एक न्यूट्रल जो कंज्यूमर को जाता है, यहाँ से कनेक्शन जो जाता है वो कंज्यूमर को जाता है। कंज्यूमर को जाने से पहले यह मेन स्विच में आता है, फ्यूज में, फ्यूज से होकर के जाता है। तीनों में फ्यूज रहता है, तीनों फेज के साथ फ्यूज जुड़ा होता है और फ्यूज के बाद हम लोग लोड में देते हैं कंज्यूमर को। अगर सिंगल फेज जिसका कनेक्शन है तो उसको एक फेज एक न्यूट्रल, लेकिन जिसका थ्री फेज का लाइन है उसको तीनों फेज का हम लोग लाइन उसको देते हैं जो पावर पॉइंट कहलाता है। तो अगर किसी को मिल वगैरह फैक्ट्री चलानी होती है तो उसे थ्री फेज का लाइन दिया जाता है, लेकिन फैक्ट्री के साथ साथ उसको लाइट का कनेक्शन अलग से लेना पड़ता है। थ्री फेज का लाइन के लिए अलग मीटर होता है, सिंगल फेज के लाइन के लिए अलग मीटर होगा, उसमें एक फेज एक न्यूट्रल दिया जाएगा जो लाइटिंग के लिए होगा। इस प्रकार आप अब आप देखिए कि हम ये देखिए नीचे का भाग जो है ये बेस है और ये बीच का भाग इसको कंटेनर कहते हैं। कंटेनर को काट करके सेक्शनिंग करके इसके अंदर के भाग को हम लोग दर्शा रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या रहता है। और ये जो कोर है, ये कोर जो है ये हमको लॉसेस को कम करने के लिए इसमें इस लोहे के कोर के साथ सिलिकॉन को मिलाया जाता है और जिसके कारण इसका रिएक्शन घटता है, जिसको कोर लॉस कहा जाता है। कोर लॉस कम करने के लिए इसमें सिलिकॉन को मिलाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार अब हम इससे आगे चलते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो अब सबसे पहले तो हम अकॉर्डिंग टू कोर, कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर होता है जिसको कि हम कोर टाइप कहते हैं। एक होता है कोर टाइप, एक होता है सेल टाइप, एक होता है बेल टाइप। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर में जो होता है ये कोर है वाइंडिंग का कोर, ये बेसिकली तीन टाइप से कोर बनता है, ई आई और एल, तीन टाइप से हम लोग कोर को बनाते हैं और उसी को एडजस्ट करके इस प्रकार का हम लोग फ्रेम तैयार करते हैं। और फ्रेम तैयार करने के पहले इस ऊपर भाग को खुला रखा जाता है, तब इसमें वाइंडिंग डाला जाता है। ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। और प्राइमरी वाइंडिंग वह होता है जिसमें कि हम लोग इनपुट डालते हैं, प्राइमरी वही कहलाएगा जिसमें इनपुट डालेंगे वो प्राइमरी कहलाएगा और जिससे आउटपुट लेते हैं वो सेकेंडरी कहलाता है। तो प्राइमरी वाइंडिंग में अगर हम लो वोल्टेज देते हैं और हम हाई वोल्टेज आउटपुट लेते हैं तो इसे अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा। लेकिन अगर प्राइमरी वाइंडिंग में हाई वोल्टेज देते हैं और लो वोल्टेज हमको प्राप्त होता है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाएगा। ठीक है, लेकिन ये इसको हम कहते हैं कोर टाइप वाइंडिंग। इसमें कोर जो है कोर के चार के लेग को वाइंडिंग घेरे रहता है, वाइंडिंग जो है देखिए कोर को घेरे हुआ दोनों तरफ, तो ये इसलिए इसको हम कहते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर। इसमें फ्लक्स बहने का मार्ग केवल एक होता है, इसके चारों तरफ जो फ्लक्स बहेगा वो अकेला सिंगल फ्लक्स बहेगा, सिंगल और पैरेलल फ्लक्स बहेगा। ठीक है, इसमें कोई रास्ता तो एक से ज्यादा रास्ता नहीं मिलेगा, अगर ये फ्लक्स बहेगा तो इसी के चारों तरफ बहेगा। क्योंकि ट्रांसफार्मर में हम एसी देते हैं तो जिसके कारण इसमें क्या होता है कि जब हम एसी सप्लाई को देते हैं ना तो फ्लो अगर ऐसे हुआ फ्लक्स का तो तुरंत उसका फ्लक्स फिर चेंज होता है, बता रहता है फ्लक्स की दिशा के चेंज होने के कारण ये फ्लक्स कंडक्टर के द्वारा काटा जाता है, ये कंडक्टर फ्लक्स को काटता है और कटने के कारण प्राइमरी में जो लाइन दी है वो सेकेंडरी में इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है और विद्युत वाहक बल सेकेंडरी को प्राप्त हो जाता है। हम लाइन प्राइमरी को देते हैं लेकिन सेकेंडरी को लाइन मिलता है ड्यू टू फ्लक्स के कटने के कारण, फ्लक्स जो कटता है ये फ्लक्स कटने के कारण सेकेंडरी में हमको ईएमएफ प्राप्त होता है। उसी प्रकार प्राइमरी में अगर हम हाई वोल्टेज देते हैं और सेकेंडरी में लो वोल्टेज प्राप्त होता है तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाएगा।
ठीक है। पॉप ट्रांसफार्मर में स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज वंस हुज सेकेंडरी वोल्टेज इज ग्रेटर देन द प्राइमरी वोल्टेज, यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वो है जो कि सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो ज्यादा होगा प्राइमरी वोल्टेज से, तब वो स्टेप अप कहलाएगा। दिस काइंड ऑफ ट्रांसफार्मर स्टेप अप द वोल्टेज अप्लाई टू इट, फॉर इंस्टेंस सेटअप ट्रांसफार्मर इज नीडेड टू यूज 220 वोल्ट प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटी विद 110 वोल्टेज सप्लाई। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए 220 वोल्ट का अगर हमको आउटपुट मिले 110 देने पे, तो वो कहलाएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। लेकिन यही चीज अगर स्टेप डाउन में है, तो अगर हम 220 वोल्ट दे रहे हैं और 110 वोल्ट प्राप्त हो रहा है, तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाएगा। आगे हम लोग चलते हैं, देखिए यही है स्टेप अप ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का। इसमें वाइंडिंग देखिए, प्राइमरी वाइंडिंग कम टर्न है और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न अधिक है। एसी का सिंबल है, एसी लाइन देते हैं इनपुट, और ट्रांसफार्मर में कभी भी डीसी लाइन नहीं दिया जाता है, क्योंकि डीसी में फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा। डीसी का जो ये हमारा वेव है, वेव में परिवर्तन नहीं होता है। वो डीसी और एसी में डिफरेंस हम जानते हैं कि एसी वह है जिसमें कि धारा और दिशा का मान निरंतर बदलता रहता है, तो जिसके कारण जब बदलता है तो फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन होता है, और फ्लक्स के मान परिवर्तित होने के कारण क्या होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग इस फ्लक्स को काटता है, और जैसे फ्लक्स कटता है तो इसमें सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ ही हमको आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है। इसमें देखिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में ये देखिए यहाँ पे हम क्या है, इसमें प्राइमरी वाइंडिंग अधिक है और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न्स कम है, तो ये जब हम इसमें इनपुट यहाँ पे देखिए लो करंट दिए लेकिन हाई करंट प्राप्त होना, ठीक है, तो यही हुआ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में लो वोल्टेज आउट होगा और हाई वोल्टेज इनपुट करेंगे, हाई वोल्टेज इसमें इनपुट देते हैं और लो वोल्टेज हमको आउटपुट मिलता है, इसमें लोड भी देते हैं, लोड के साथ दिखा रहे हैं, तो करंट लो होगा हाई, इसमें हाई करंट होगा, इसमें लो करंट होगा, ठीक है। तो हमारा ट्रांसफार्मर आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज पावर ट्रांसफार्मर। अब पावर ट्रांसफार्मर, तो पावर ट्रांसफार्मर क्या है, देखिए पावर ट्रांसफार्मर का ये हम दिखा रहे हैं कंस्ट्रक्शन, ये देखिए ये वाला भाग है ना, यही है कंजर्वेटर। इसमें ये ग्लास जो है, ये लुकिंग ग्लास है, इससे होकर के हम लोग क्या करते हैं, ऑयल का लेवल चेक करते हैं, जो इसमें हम तेल डालते हैं। तो ये टॉप है इनलेट, ये जो ढक्कन है ऊपर में लगा हुआ, ये इनलेट है, इससे होकर के तेल डाला जाता है ट्रांसफर ऑयल को, और ये ट्रांसफर ऑयल बीच के पाइप जो कंजर्वेटर है इसका, इसके बीच होलो पाइप होता है जो कंटेनर से जुड़ा होता है, और ये तेल कंटेनर में जाता है, और इसका लेवल चेक करने के लिए इस लेवल गेज लगा रहता है। और ये यहाँ पे देखिए ऊपर से, ऊपर के भाग में कंजर्वेटर के ऊपर के भाग में से एक ब्रीदर जुड़ा होता है। तो ब्रीदर जो होता है ना, इसका उपयोग क्या है, ब्रीदर का उपयोग क्या है कि हम ब्रीदर जनरली हम इसमें CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड यानी सिलिका जेल इसमें डाला जाता है। सिलिका जेल डालने से का तात्पर्य है कि इसमें जब हम सिलिका जेल डालते हैं तो ट्रांसफार्मर जब गर्म होता है तो उससे गर्म हवा बाहर निकलता है होकर के, लेकिन जब खाली जगह को भरने के लिए गैस ब्रीदर से होकर जब घुसता है तो हवा में तो नमी रहता है, तो नमी को कम करने के लिए, नमी को खत्म करने के लिए ये इससे होकर के जब नमी युक्त हवा प्रवेश करेगा तो सिलिका जेल क्या करता है, सिलिका जेल इसके वायु में तेल का लाइफ अधिक रहता है, जिससे हमारा वाइंडिंग सेफ रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक ये जो है आपको, अब देखिए ये जो लगा हुआ पाइप और इसके ऊपर ये जो लगा हुआ है, ये एक्सप्लोजन वेंट है। एक्सप्लोजन वेंट का मतलब क्या होता है कि जब ट्रांसफार्मर ओवर हीट हो जाएगा, ट्रांसफार्मर के ऊपर लोड ज्यादा पड़ जाएगा तो ओवर हीट होगा तो ट्रांसफार्मर का तेल गर्म होकर के इसका वेपर अगर इससे होकर निकल पाए तो निकल पाए, लेकिन बहुत ज्यादा वेपर बनने के कारण ये क्या होगा, ये ओवर हीट होगा। तो जिस प्रकार कुकर का सीटी हैंडल के नीचे लगा रहता बल्ब, वो बल्ब जब कुकर का सीटी नहीं काम करता है तो वो बल्ब फटता है, जिसके कारण आदमी सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार ये ट्रांसफार्मर को सेफ करने का ये साधन है एक्सप्लोजन वेंट। अगर ओवर हीट हो गया तो तेल गर्म होगा, ज्यादा गर्म हो जाएगा तो वो इससे इसको फाड़ करके बाहर निकल जाएगा उसका गैस, जिससे ट्रांसफार्मर जलने से बच जाएगा और हीट होने से बचेगा। तो ये जो प्रक्रिया है तेल को बाहर निकालने का, फिर इसमें तो इसके अंदर बुकल्स रिले लगा रहता है,
इस कंजर्वेटर और कंटेनर के बीच में ग्लूकोज रिले रहता है। जो रिले क्या होता है कि जहां पे कंट्रोल रूम होता है, कंट्रोल रूम के साथ इसका अटैचमेंट होता है कनेक्शन का। इसमें दो कनेक्शन होता है, एक तो पहला कनेक्शन होता है कि जब ये हीट करेगा तो प्रेशर, इस कंटेनर का प्रेशर उस ग्लूकोज रिले पे पड़ेगा, और ग्लूकोज रिले जब प्रेशर से दबेगा तो दो कॉन्टेक्ट के साथ जुड़ करके इसके साथ जुड़ा हुआ बेल बजने लगेगा। जब बेल बजने लगेगा तो कंट्रोल रूम में बैठा व्यक्ति समझ जाएगा कि ट्रांसफार्मर गर्म हो गया है, वो उसे ऑफ कर देगा। अगर बाय द वे अगर कंट्रोल रूम में कोई व्यक्ति नहीं है तो वो ट्रांसफार्मर और हीट होगा, उसके बाद उसके नीचे एक और ग्लूकोज रिले रहता है जो ऑटो कट के साथ जुड़ा रहता है। तो जब वो नहीं ऑफ हुआ तो फिर दूसरा और प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने से फिर से वो उसका फ्लॉट जो है, जो मेटलिक फ्लॉट होता है, दो कॉन्टेक्ट उस पर आकर के रेस्ट करता है। हाँ, जैसे ही दो कॉन्टेक्ट पे मेटलिक बल्ब रेस्ट करेगा सर्किट पूरा होगा, और सर्किट पूरा होते ही क्या होगा कि ऑटो ब्रेक हो जाएगा, ऑटो स्विच ऑफ हो जाएगा और ट्रांसफार्मर बंद हो जाएगा। तो इस क्षति से रोकने के लिए हम लोग इसमें एक्सप्लोजन वेंट लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक दो तीन जो बुशिंग लगा हुआ है, अभी हम पीछे बता चुके हैं कि ये तीनों बुशिंग जो लगा हुआ है, ये बुशिंग क्या है, एच टी करेक्शन के लिए, यानी 11,000 के लाइन को इनपुट करने के लिए हम इसमें ये बुशिंग में हम इनपुट 11,000 लाइन को करते हैं। और ये यहाँ देखिए चार बुशिंग है, तो जो सेकेंडरी का लगेगा, इस सेकेंडरी में चार बुशिंग है जिसमें तीन फेज एक न्यूट्रल। इसका करेक्शन डिपेंड करता है, अलग अलग तरह से कनेक्शन किया जाता है ट्रांसफार्मर के डिमांड के अनुसार, लेकिन कंज्यूमर ट्रांसफार्मर जो होता है ना उसमें कनेक्शन जो होता है ये प्राइमरी में डेल्टा और सेकेंडरी में स्टार का कनेक्शन होता है। स्टार कनेक्शन होने के कारण इसमें जो तार का संख्या हो जाता है चार हो जाता है स्टार कनेक्शन में, क्योंकि किरचॉफ लॉ के कारण, किरचॉफ लॉ के अनुसार इसमें जब तीन कनेक्शन आके मिलता है द अल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज जीरो। तो जब तीन धाराएं एक जगह आकर मिलती है ना तो उसका जो पॉइंट होता है जहां वो आके मिलता है वो जीरो होता है, तो वो मिडिल पॉइंट जो हो गया वो न्यूट्रल कहलाता है। यही चौथा पॉइंट जो होगा ये न्यूट्रल बन के निकलता है ट्रांसफार्मर में, अंदर वाइंडिंग का सारे लूप उस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्राइमरी का कनेक्शन डेल्टा में हो और सेकेंडरी का कनेक्शन स्टार में हो, जिस प्रकार थ्री वायर और फोर वायर का सिस्टम से हम यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ पे एक देखिए घड़ी नुमा जो लगा हुआ है ये टेम्परेचर गेज है, इसको टेम्परेचर गेज कहते हैं, और टेम्परेचर गेज ये ट्रांसफार्मर के तेल का टेम्परेचर को बताता रहता है। इसे देख करके भी पता चल जाएगा कि ट्रांसफार्मर हीट हुआ अथवा नहीं, अगर हीट हो जाता है इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इसको ऑफ कर दिया जाता है, और इसके साथ पैरेलल जुड़ा हुआ ट्रांसफार्मर जो होता है उसको ऑन कर दिया जाता है। इस प्रकार लोड सेटिंग अलग अलग तरह से हम लोग पावर स्टेशन पे करते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा भाग है ये सब कूलिंग सिस्टम है, और बीच का भाग जो है ये वाला भाग इसको कंटेनर कहते हैं, और ये सब कूलिंग सिस्टम है, ये तेल को ठंडा करने का। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या है कि हम पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो हमारे घर में जो लाइन आता है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से ही आता है। यानी कि ये देखिए तीन लाइन जो है, ये दो तीन लाइन, ये तीनों एचटी लाइन है। एचटी लाइन जो सब स्टेशन से होकर आता है, पावर स्टेशन सब स्टेशन को देता है, सब स्टेशन से हमारे कंज्यूमर ट्रांसफार्मर को लाइन आता है जो 11,000 वोल्ट का होता है, और 11,000 का वोल्ट जो लाइन है उसको फ्यूज से होकर, इसका फ्यूज पतले तार का होता है, और इसे फ्यूज से हो करके तीनों का अलग अलग फ्यूज से जोड़ करके जो कि मेन स्विच के साथ जुड़ा रहता है, इसके साथ एक मेन स्विच रहता है जो एच टी को अलग करने का काम करता है, एच टी के कनेक्शन को जोड़ने और तोड़ने का काम करता है, जिसे एयर सर्किट ब्रेकर कहते हैं। तो ये एयर सर्किट ब्रेकर से जुड़ा रहता है एच टी का लाइन, और कभी ट्रांसफार्मर में कोई काम करना होता है तो एच टी लाइन को हम लोग नीचे से हैंडल से ऑफ कर देते हैं, जिससे कि इसमें इनपुट लाइन समाप्त हो जाता है और ट्रांसफार्मर में कोई मेंटेनेंस किया जा सकता है। लेकिन जब हम इसे हम ऑन करते हैं तो एच टी लाइन प्राइमरी को बन जाएगा, और सेकेंडरी से एलटी का लाइन जो 440 का होता है वो सेकेंडरी से चार लाइन तार निकलेगा, जिसमें एक न्यूट्रल और तीन फेज से लाइन अब कंज्यूमर को जाता है। यही डिस्ट्रीब्यूशन था, यही से बंटवारा होता है हमारे घर को, हमारे महल्ले को, हमारे घर में चलने वाले फैक्ट्री को। तो जो जिनको थ्री फेज का लाइन लेना होता है तो थ्री फेज का कनेक्शन लेता है, जिसको सिंगल फेज का लाइन लेता है वो सिंगल फेज का कनेक्शन लेता है।
तो यहाँ पे इस प्रकार इसको ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल किया जाता है और इंस्टॉल करके इसका कनेक्शन को जोड़ा जाता है और इसी ट्रांसफार्मर के साथ एक अर्थ किया जाता है जो कि इसके साथ अर्थिंग जुड़ा रहता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बाद है आपका ये देखिए इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या है कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक होता है सीटी और एक पीटी। सीटी का मतलब हुआ करंट ट्रांसफार्मर, पीटी का मतलब हुआ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। सीटी जो ट्रांसफार्मर होता है वो लाइन के सीरीज से जुड़ा होता है और पीटी जो होता है वो लाइन के पैरेलल से जुड़ा होता है। ये देखिए ये सीटी है, ये सीटी का ये जो रॉड टाइप नुमा लग रहा है ना, ये तार ये प्राइमरी कहलाता है और इसमें जो क्वाइल बना हुआ है ये क्वाइल का दोनों छोर को वोल्ट मीटर से जोड़ करके जोड़ दिया जाता है जिससे कि ये सेकेंडरी का काम करता है। ठीक है, और लेकिन इसमें जो पीटी जो होता है वो लाइन से पैरेलल जुड़ता है यानी कि एक फेज एक न्यूट्रल के साथ इसका कनेक्शन होता है। ठीक है, तो सीटी और पीटी में यही अंतर है और इसमें देखिए दोनों कंबाइंड है, सीटी और पीटी दोनों है। यहाँ पे देखिए ये ऊपर वाला भाग पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ये करंट ट्रांसफार्मर, दोनों को हम इसके साथ कनेक्शन कर सकते हैं। तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम लोग इस तरह का व्यवस्था करते हैं। अब देखिए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि यहाँ पे एक प्राइमरी कनेक्शन दूसरा सेकेंडरी कनेक्शन, प्राइमरी कनेक्शन के साथ इनपुट होता है और सेकेंडरी के साथ आउटपुट होता है। ठीक है, तो इसमें ये देख लीजिए आपको इसे हम बढ़ा करके दिखाते हैं कि इसमें देखिए ये मैग्नेटिक कोर है, ये कोर है, ये इससे होकर बहने वाला फ्लक्स, अभी पहले देखिए वाइंडिंग है प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, ये हुआ ये प्राइमरी वाइंडिंग हमारा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, इसमें ये कोर है, ये कोर है, कई पतले पतले सीट से बनाया जाता है इसे और इसे एक जोड़ एक साथ जोड़ करके इसको कोर को तैयार किया जाता है। तो इसमें देखिए ये जो अप्लाइड अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई जो दिया गया है इसमें ट्रांसफार्मर में जब भी हम देंगे तो अल्टरनेटिंग करंट ही देंगे, डीसी करंट हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि डीसी करंट में फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि इसका जो पल्स है एसी का पल्स ये परिवर्तित होता है लेकिन डीसी का नहीं होता है। लेकिन जब तक पल्स में परिवर्तन नहीं होगा तो फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा और फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो यहाँ पे सेकेंडरी में फ्लक्स कटेगा नहीं और सेकेंडरी में आउटपुट नहीं होगा, इसलिए डीसी नहीं दिया जाता है। ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग कहलाया, ये सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाया, सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लोड है जबकि लाइन हम प्राइमरी को दिए हैं विदाउट कनेक्शन सेकेंडरी को लाइन मिल जाना ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन के कारण हम सेकेंडरी में हम लाइन प्राप्त कर लेते हैं। ये देखिए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में केवल एक फेज एक न्यूट्रल होता है। ठीक है, इसको मतलब छोटे छोटे गांव में इसका कनेक्शन किया जाता है जहां तक यहाँ पे कि हमको थ्री फेज लाइन की जरूरत नहीं है वहां तक इस तरह के ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं। बहुत जगह ऐसा है जो स्पेशली डिमांड लेकर के सिंगल फेज का कनेक्शन लेते हैं तो उसे इस प्रकार का ट्रांसफार्मर दिया जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये आप देखिए ये थ्री फेज है, सिंगल फेज और थ्री फेज, ये थ्री फेज का कोर है। इस थ्री फेज में देखिए ये जो वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग तीन वाइंडिंग, ये तीनों वाइंडिंग जो है आपका एक एचटी का और एक एलटी का, नीचे एलटी का ऊपर एचटी का वाइंडिंग है तो सारे वाइंडिंग से दो दो लूप निकलेंगे, सारे हर पार्ट से दो दो लूप निकलेंगे और दो दो लूप देखिए ऊपर वाले से छह लूप हो गया और नीचे वाले से भी छह लूप होगा। छह लूप में प्राइमरी में जैसे ये अगर एच टी का लाइन है तो एच टी के लाइन को हम डेल्टा के साथ जोड़ेंगे, डेल्टा कनेक्शन के करेंगे और ये एच टी का लाइन है इसे डेल्टा के साथ जोड़ेंगे और एल टी का लाइन को स्टार के साथ जोड़ देंगे। तो स्टार का कनेक्शन को हम बताएंगे बोर्ड पे किस प्रकार किया जाता है। ये देखिए हमारा थ्री फेज का ट्रांसफार्मर है जो कि आगे भी बता चुके हैं, ये ट्रांसफार्मर का शेप इसी प्रकार होता है। इस प्रकार ट्रांसफार्मर के सभी पार्ट को हम बता दिए कितने तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, इसका और विस्तृत जानकारी दूसरे क्लास में देंगे। थैंक यू।